अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। गाइस अभी ईद की शॉपिंग वॉपिंग करने जा रहे हैं, ईद बहुत करीब है, 4 दिन है, तो अभी लाइट पंगा बंद करके चल। चले बहुत दिनों बाद ही आया है, बहुत दिनों बाद ही आया है। अभी मम्मा मेरी स्लीपर्स का मुझे बता चले चले शूज पहने। सो गाइस अभी की कहते हैं जा रहे हैं, रेडी हो गए। और कहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी? पानी 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 पानी। हाँ मम्मा कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग? सही है, हम लोग अभी जैनब जा रहे हैं। जैनब जैनब जा रहे हैं और ये कहते हैं वहाँ से शूज़ लेने हैं, ईद के लिए वॉलेट लेना है एक, और हमारी पैंट्स वो लेनी है ईद की, तो अभी चलते हैं। और बहुत दिनों बाद व्लॉग आ गया। Hey guys, तो अभी हम लोग ये कहते हैं हाईवे पर हैं और हम लोग हाईवे के करीब सोसाइटी में रहते हैं, मेहमान यहाँ पे बहुत। तो अभी बहुत अच्छा सफ़र चल रहा था और ये हम जामा क्लोथ मार्केट में आ चुके हैं और बहुत ईद की रौनकें लगी हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। ये देखिए जामा क्लोथ मार्केट, और आगे का सफ़र भी बहुत अच्छा रहा हमारा, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा, सारी मार्केट्स लग रही थी, सब कुछ दिख रहा था। ये है कराची की रौनक है ईद के लिए। गाइस अभी हम लोग गुजर रहे हैं अल्लाह वाला मार्केट की तरफ से और कहते हैं, और ये हम आ गए हैं लाइट हाउस, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शूज़ थे, बहुत ही कहते हैं मज़ा आ रहा था, ईद की बहुत रौनकें लगी हुई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था। और इतने कि इस साल बहुत नए और अच्छे डिज़ाइंस में शूज़ आए मोटे बूट वाले, और मम्मा इतनी वैरायटीज़ थी कि मम्मा और मैं टोटली कंफ्यूज हो गए थे कि क्या लें। हम लोग अभी आ चुके हैं लाइट हाउस के अंदर, और मजे के बाद यहाँ पे कारपेट्स और कर्टन अभी शूज़ ले रहे हैं, सारी लेने अभी देखते हैं वैरायटीज थी इनमें भी, इनके एलिमेंट्स बहुत, आप जिस डिज़ाइन में पसंद करें उस डिज़ाइन का आपको दे देते हैं। यहाँ तो अच्छे शूज़ हैं, यहाँ से एक बार देख लेते हैं, अभी देखते हैं आगे जाके कोई अच्छी शॉप मिलती है फिर आपको दिखाएंगे। गाइस एक शूज पसंद आया है, और ये वाला मैं पहनू, हाँ बिल्कुल सही है, टाइट भी है, मैं पहन के देखू। बैठे रहो, चलना ये छोटा है, ये बड़ा साइज है, क्या कर ले भी काम। गाइस अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, अभी दोबारा अंदर जाते हैं। गाइस कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं? हाँ आ रहा है, ये लड़की वाली फिक्स भी आ गया, और जैसे मैंने ये वाली ली। गाइस फाइनली मैंने अपने पसंद के शूज़ ले लिया, बहुत खुश हूँ मैं। और अभी हम लोग अभी पैंटे लेने जा रहे हैं, और रश इतना हो रहा है कि कहते हैं खड़े होने की भी जगह नहीं है, इतना है कि बस चोटी चल सकती है, बहुत रश हो रहा है, बहुत मुश्किल होती है बाजारों में घूमना, पता नहीं मम्मा लोग कैसे घूम लेते हैं। अभी मैं पेंटो की तरफ जाके आपको मिलते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी वेटिंग कर रहे हैं कि कहते हैं बहुत थक चुके हैं हम लोग, शूज़ लेके मार्केट में इतना रश था, घूमे
और अभी हम लोग बैठे हुए हैं कि कहते हैं वेट कर रहे हैं, पहले पेट की पूजा करेंगे फिर जाके पेंटे वेंटे लेंगे। तो अभी चलते हैं। ये है जैनब, यहाँ पे पूरा पूरे शोर शार चल रहा है, बहुत रोच हो रहा है। हम लोग ईद की शॉपिंग सब लोग करने आए हुए हैं। अभी वो देखिए ईद की रौनकें हैं चार दिन पहले। अभी पता नहीं चांद रात वाले दिन क्या होगा यहाँ पे। गाइस अभी कहते हैं हम लोग थोड़ा पैदल चल कर आए हैं, मुझे इतना एट्री मॉल हाँ, और यहाँ पे इतना अच्छा व्यू मिला है मुझे। ये सारे उसके फ्लैग कंट्रीज के, हमारा नहीं है, वो सऊदी अरब है, जापान है, अमेरिका है, वीडियो में आ रहा ही होगा। हम लोग KFC खाने जा रहे हैं, KFC को नहीं खा रहे, KFC के अंदर वाला खाना खा रहे हैं। बहुत मज़ा आता है मुझे ईद की शॉपिंग्स में, पता नहीं क्यों ऐसा एकदम। अभी हम लोग सदर के इलाके में, तो क्या कहते हैं यहाँ पे सब कुछ है, पुरानी बिल्डिंग्स देख सकते हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं और अभी हम लोग ऊपर जगह देखते हैं। तो गाइस हम लोग एट्रियम मॉल के KFC में बैठे हुए हैं और इतनी थकन के बाद मज़ा ही आ गया था। इनका इतना अच्छी रेसी था और यहाँ से पूरा व्यू भी दिख रहा था एट्रियम मॉल का। बहुत अच्छी थीम दी हुई थी इन लोगों ने। और फिर हम लोगों ने फिर यहाँ पे खाना आ गया था और मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की, इसलिए बस ऐसे ही वीडियो शूट कर ली और वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे हमने कोई एक डील ऑर्डर करी 4% के लिए, मगर हम तो 5 थे, तभी हमने कुछ एडजस्ट करा इधर उधर चीज़ें लेके और हमने खा लिया। अरे प्ले एरिया के साथ, और जिस मॉल में प्ले एरिया नहीं हो तो फिर हम लोग जैसे बच्चे, खैर मैं तो बड़ा हो गया, मेरे बहन भाई जैसे बच्चे तो टिकेंगे ही मॉल में। अरे भाई सभी बड़े हो गए बहन के। ये देखिए और ये तो दिखाने में इन चीज़ मोबाइल वॉचेस, जो भी मैं भी पहना हुआ हूँ। चलनी चल रही है नहीं इतने दिनों बाद। और मैं बताऊँ क्या करता था, यहाँ से शूज पॉलिश करता था। क्या डाइनर्स वगैरह सब है यहाँ। एट्रियम मॉल आप लोग भी आए हैं यहाँ पे हाँ। कौन सी मूवी आ रही है, मुक्ति कमांडर, नई मूवी आई है मुक्ति कमांडर। भाई यहाँ से आप लोग ले लें एक मॉल का ओवरव्यू, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे और मम्मा भी। गाइस मां सफदर के ब्रांड आए, मां सफदर की शॉप, मां सफदर की शॉप शॉप गाइस मां सफदर के ब्रांड का तो क्या कह रहे हो तो भाई की वॉच का इतना अच्छा फिंगरप्रिंट भी दिखाता हूँ। सही है, जान भी दिखाता हूँ। ये देखें अपनी वॉच उनके परफेक्ट आ गई। मेरे शूज हैं जो मुझे बहुत पसंद आ गए थे, हम लोग गए थे लाइट हाउस, अब आए हम लोग जाना। यहाँ से भी जा रहे हैं, अब पता नहीं कौन कौन सी शॉप्स घूमे। तो अभी व्लॉग मैं बना रहा हूँ, तो अभी हम लोग चल रहे हैं और चल ही रहे हैं। तो मैं नहीं चले चल रहा, अभी हम लोग गए थे तभी हम लोग शॉप आ चुके हैं। अभी दिखा रहे हैं अंकल, ये दिखाई उन्होंने एक पैंट।
साइज इधर आ रही छोटा। तो हम जैसे कि मार्केट से आ गए तो शहरी वाली कर ली तो और बीच में मोबाइल लोग गए तो हम मास्टर सफदर की दुकान गए थे और हम लोग ने शूज भी लिए। शूज तो बहुत अच्छे हैं, आपको भी अच्छे लगे होंगे। तो ईद पे जब हमारा पूरा गेटअप करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। अभी देखिए मेरे मामा की तरफ भी सही नहीं थी तो ये देखें क्या कर। तो आपको बहुत बहुत हमारे ब्लॉग पसंद आएगा तो जब तक के लिए बाय। और हमारे ब्लॉग्स डेली आएंगे और डेली देखेगा आप लोग और सब्सक्राइबर बहुत बढ़ा देगा और हमारी वीडियोस में तो बहुत जल्दी जल्दी वो आ रही व्यूज। बस सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा तो जब तक के लिए।